हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर वीडियो माय चैनल रूट चेक। यहाँ पे बहुत सारे यूज़र्स हैं जो लिनोवो फ़ोन यूज़ करते हैं और काफ़ी आजकल लोग कस्टम रोम्स यूज़ करना पसंद कर रहे हैं, कस्टम रिकवरीज यूज़ करना पसंद कर रहे हैं। सो वो सब करते हुए बहुत बार क्या होता है कि फ़ोन का जो रिकवरी है वो कभी कभी डिलीट हो जाता है या फिर और कोई पार्ट, तो फिर फ़ोन है वो बूट लूप पे। तो बूट लूप में जो होता है, जो आपका बूट लोगो है वहाँ पे स्क्रीन रुकी होती है क्योंकि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम या रोम में कोई दिक्कत है या फिर रिकवरी में दिक्कत है। तो उसको हम लोग बहुत इजीली कैसे रिकवर कर सकते हैं पहले वाले को, पहले वाला जो स्टॉक रोम है, तो बहुत इजी है। एक आपको जस्ट ये सॉफ्टवेयर है दिया हुआ लिनोवो ने, वो यूज़ करना है असिस्टेंट करके। यहाँ पे आप अगर आपका अपडेट ऑटोमेटिकली नहीं हो रहा तो आप मैन्युअली अपडेट भी कर सकते हो, और या फिर अगर ट्रबल शूट करना है फ़ोन के लिए तो फिर आप यहाँ पे गो रेस्क्यू करके ऑप्शन है, वहाँ पर जा सकते हो। बहुत इजी है, बस आपको कुछ आपके फ़ोन के डिटेल्स देने हैं और आपके लिए फ़ाइल डाउनलोड करनी है। तो यहाँ पे मैंने अपने ईज के लिए जो फ़ाइल है वो ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है। यहाँ पे थोड़ी दिक्कत आ सकती है क्योंकि लिनोवो के जो मॉडल के नेम है वो काफ़ी आड़े तेड़े हैं बेसिकली। सो हमें यहाँ पे कैपिटल एल से ही ढूंढना पड़ेगा। देखिए नहीं आ रहा है, अभी कैपिटल एन लिख देंगे तो आ जाएगा। यहाँ पे जो भी मॉडल है आपको वो सब लेके ट्राई करना है। यहाँ पे मैं लिनोवो का A6000+ जो मेरा फ़ोन है उसके लिए ट्रबल शूट कर रहा हूँ। पहले तो मॉडल सेलेक्ट करना है, काफ़ी ट्रिकी प्रोसेस है इसे लगेगा, पर कुछ नहीं है, बहुत ही ईजी है। यहाँ पे बस ये एल कैपिटल लिख देना है, पता नहीं मेरे से क्यों गलती हो रही थी। जो भी है दिक्कत दे रहा है काफ़ी। फिर यहाँ पे सिलेक्ट करते वक्त भी काफ़ी दिक्कत होती है, आपको फ़ोन का नाम लिखना है फिर उस पर क्लिक करते रहना पड़ता है। जो भी है यहाँ पे दिखा रहा है कैसे करना है। ओके यहाँ पे देखिए, अभी मैंने कुछ लिखा नहीं तो ये ऐसे बाय डिफ़ॉल्ट बता रहे दो मॉडल, तो मैं अभी वैसे ही ट्राई कर लेता हूँ। कैपिटल एल अभी आ गया। यहाँ पे हमें 6000 जो मॉडल है वो सिलेक्ट करना है। ओके देखिए, दो तीन बार उस पर क्लिक कीजिए तभी जाके वो सिलेक्ट होगा। अभी यहाँ पे जो SW कोड होता है वो भी काफ़ी ट्रिकी है, लाइक स्पेशल कोड है हर डिवाइस के लिए। यहाँ पे मैंने 12 सेलेक्ट किया। यहाँ पे मैंने पीछे फ़ोटो में दिखाया भी था कि कैसे था करके, वो कहाँ पे मिलेगा, आपके बैक पैनल पे मिल जाएगा फ़ोन के जब आप बैटरी निकालोगे। यहाँ पे रेस्क्यू पे क्लिक करना है तो आपके लिए जो फ़ाइल है वो डाउनलोड होती है। तो ये फ़ाइल मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी, कि मुझे वीडियो में आपको खाली जो प्रोसेस है वो दिखाना था। वीडियो के पहले मैंने वो फ़ाइल डाउनलोड करके रखी थी जो ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाती है। तो हमें करना कुछ नहीं है, रेस्क्यू के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको कुछ वार्निंग्स देगा या फिर स्टेप्स बताएगा, आप वैसे समझ लीजिए। तो पहले तो करना कुछ नहीं, आपको जो वीडियो है वो ध्यान से देखिए, एक फ़ोन लीजिए और USB आप मेक श्योर करें कि आपका जो केबल है वो मोटा वाला जो फ़ोन के साथ आता है डिफ़ॉल्ट वो यूज़ करें, क्योंकि उससे डेटा ट्रांसफ़र वो सब में काफ़ी ईज हो जाती है। और बाकी कुछ नहीं, फिर कनेक्ट कीजिए। और हाँ, फ़ोन को स्विच ऑफ़ करना है। यहाँ पे आपको वही दिखाएगा जो फ़ोन के लिए जो भी डिटेल्स है। देखिए आपको बोलेगा डिसकनेक्ट योर फ़ोन एंड ओके करना है। फिर ये बोलेगा कि फ़ोन को निकाल के स्विच ऑफ़ कीजिए, और फिर स्विच ऑफ़ करने के बाद आप वॉल्यूम अप बटन दबा के रखिए, वॉल्यूम प्लस। एक फ़ोटो भी मैंने लिंक कर दिया वीडियो में, देखिए आप आएगा अभी इसके बाद कि आपको मेन्यू कैसे दिखेगा, और वहाँ से आपको डाउनलोड करके ऑप्शन है वो सिलेक्ट करना है। सो यहाँ पे पढ़ लीजिए एक बार, अगर मुझे वीडियो में बताने में कोई गलती होगी तो फिर भी आप पढ़ सकते हो, वहाँ पे आ जाएगा, काफ़ी ईजी है, पढ़ लीजिए। फिर आपको करना है ओके। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो डाउनलोड करके ऑप्शन है वो उसके ऊपर आपको क्लिक करना है, टच करना है, या फिर
फिर आपका रेस्क्यूइंग चालू हो जाएगा। यहाँ पे हो रहा है, हो रहा है, काफ़ी स्लो है प्रोसेस, आप पैनिक मत होना, कभी कभी फास्ट भी हो जाती है। बहुत ही, अरे सॉरी, मेरा फ़ोन डिसकनेक्ट हो गया, सॉरी फॉर दैट फ्रेंड्स, फिर से कनेक्ट कर लेता हूँ स्विच ऑफ करके। तब तक आप जो मैंने स्टेप्स बताया वो ध्यान में रखना, और मेक श्योर करना कि आपके जो फ़ोन का मॉडल है वो ढंग से आप इंफॉर्मेशन डालो, ताकि आपको वीडियो में जैसे मैंने दिखा है वैसे आपको फाइल ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो। यहाँ पे मैं फिर से रेस्क्यू करूँगा, अभी मैंने कनेक्ट कर लिया है, बैटरी लगा दूँ। हाँ हाँ ठीक है, यहाँ पे देखिए अभी ये रेस्क्यू के लिए जा रहा है, हो जाएगा। और रेस्क्यू होने के बाद भी थोड़ा फ्रेंड्स, कभी कभी जो आपका लोगो है वहाँ पे लिनोवो करके लिखा हुआ, वहाँ पे वो थोड़ा देर रुक सकता है फ़ोन, तो कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग घड़ी घड़ी कस्टम रोम्स या ये सब फ्लैश करते हैं, उन लोगों को तो पता ही होगा कि जो फर्स्ट बूट होता है, यानी फर्स्ट टाइम जब फ़ोन चालू होता है, तो वो काफ़ी टाइम लेता है, क्योंकि उसको काफ़ी सारे प्रोसेसेस सेट करने होते हैं। सो काफ़ी इजी, आप देख सकते हो, कुछ किया नहीं मैंने यहाँ पे, ना आपको कुछ ADB वगैरह के लिए कोड वगैरह चाहिए। पर हाँ, ये सब बहुत बार क्या होता है कि फ़ोन आपका अगर चालू स्टेट में है, या फिर आप मतलब फ़ोन रनिंग कंडीशन में है, फिर आपको कुछ करना है, तो यहाँ पे डिवाइस में आप जाओगे ऑप्शन में, तो आपको सब बाय डिफ़ॉल्ट वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा। यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो चुका है कि मैं जो फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ वो उसमें कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि रिकवरी भी नहीं है, तो उसके लिए मैं ये बता रहा हूँ आपको, तो बहुत ईजी है। यहाँ पे मेरा रिकवरी भी उड़ चुका है, मेरे दोस्त का फ़ोन है, मैंने सोचा इस पे क्यों ना वीडियो बना दूं। वेट कीजिए 100 होने तक, यहाँ पे जब वो 100 हो जाएगा फिर आपको वो पॉपअप आएगा कि आपका प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, तो वहाँ पे आपको ओके करके फिनिश करके एक बटन आएगा, वहाँ पे क्लिक करना है, और दैट्स इट, आपका वीडियो जो है जैसे आपको दिखाया जाएगा वीडियो में, ये बहुत ही अच्छा तरीका है, जिन्होंने अच्छी सर्विस प्रोवाइड की हुई है, भले पब्लिक उसकी कंप्लेंट करे। होते जा रहा है, अभी जस्ट थोड़ा सा ही बाकी है, इतना तो पेशेंस आप रख ही सकते हो। देखिए 100% हो गया, अभी वहाँ पे मुझे एक पॉपअप आएगा, करना कुछ नहीं, खाली वो पॉपअप पे आपको जो पॉजिटिव बटन्स है मतलब दिया हुआ, यहाँ पे ओके करना है, रेस्क्यू कंप्लीटेड करके लिख के आए, और फिनिश पे क्लिक करना है बाद में। ओके कर दीजिए, और फिर फिनिश पे क्लिक करना है। मैं आपको दिखाने के लिए थोड़ा रुका हुआ कैसे दिखेगा करके, आप वीडियो फिर से रिपीट कर करके देख के सीख सकते हो। मैंने वीडियो के स्टार्ट में मेरे फ़ोन के लिए डाला नहीं है जो भी मतलब डिटेल्स है कि बूट लूप पे कैसे अटकता है वो सब, तो आप ढूंढ सकते हो बूट लूप में क्या होता है करके, क्योंकि मेरे पास अच्छा क्वालिटी का कैमरा नहीं है, इसलिए मैंने वो अपलोड करना अवॉइड कर दिया। आप देख सकते हो काफ़ी इजी है, और यहाँ पे हो गया आपका फ़ोन रेस्क्यू। इसके बाद करना कुछ नहीं है, फ़ोन को बस स्टार्ट कीजिए, या फिर फ़ोन ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा, कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, और थोड़ा वेट कीजिएगा, फर्स्ट टाइम है आपके फ़ोन का तो बूट होने में वो टाइम लग सकता है, वैसे कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को रूट चेक, मैं काफ़ी ऐसे ट्रिक्स और टिप्स देते रहूँगा। थैंक यू।